देखिए, जहां तक जितेंद्र प्रसाद जी का पर्सनल फैसला है कि मैंने पार्टी छोड़ दी, उस पे तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, किस वजह से छोड़ी, वो तो जितेंद्र जी जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। तो ये तो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे इस बात पे जरूर आपत्ति है कि जिस पार्टी को आप कहते थे कि 3 डेकेड में जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हुआ था और उसके मंच से आप बीजेपी को रोज गाली देते थे, सांप्रदायिक बताते थे, एंटी नेशनल बताते थे, आज वही पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं। आपत्ति मुझे इस बात पे है, क्योंकि इसका मतलब आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में और पॉलिटिक्स में जब तक आप आइडियोलॉजी के आधार पे आगे नहीं चलोगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्रसाद पॉलिटिक्स है। आपको याद होगा कि हरियाणा में शुरुआत हुई थी आया राम गया राम की, तो अब आप इस स्थिति पे पहुंच गए हैं, तो नाउ वी आर इन प्रसाद पॉलिटिक्स। किसी को पश्चिम बंगाल में लोग टीएमसी छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि भाजपा जीत जाएगी, सोचते हैं ना, और अगर कोई चुनाव जीत जाए तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाता है। अरे भाई, आप इतने साल टीएमसी के साथ रहे, अब आप भाजपा पे चले गए, ये तो अपोजिंग आइडियोलॉजीज है ना, इसमें तो कोई मेल है नहीं। तो इसका मतलब आपका, आप यू आर ओनली इंडल्जिंग इन प्रसादा पॉलिटिक्स।